मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह और गुलरिहा थाना प्रभारी निरीक्षक रवि राय की अध्यक्षता में विभिन्न कॉलेजों में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को शासन द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए जारी किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, साथ ही उनसे संबंधित उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के तहत सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को यातायात सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से दो पहिया वाहन पर चलते समय हेलमेट लगाने, मोबाइल पर बात ना करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने सहित अन्य जानकारियां दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने कहा, मिलिए तो बताइए कि अब सड़क पर चलते समय इस तरह के संकेत करना किसी भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सरकार की बड़ी प्रभावी योजना और आदरणीय मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी योजना है जिस पर काम हो रहा है। निरंतर आप लोग के समझ सारे अधिकारी लोग बैठे हैं, बड़े अधिकारी लोगों की भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और आप लोग तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं ज़्यादातर इस बात से परिचित हैं कि यहाँ कैसे क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नवरात्र, इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का एक जो बाल अपराध हो रहा है, महिलाओं पे अपराध हो रहा है, बच्चों पे और लड़कियों पे अपराध हो रहा है, उसके तहत मिशन शक्ति एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हम लोग स्कूलों में जा कर के जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा चौरी चौरा में ये नेहरू इंटर कॉलेज में एक अभियान चला करके बच्चों को, बालिका इंटर कॉलेज में अभियान चला करके जागरूक किया गया। साथ ही साथ उसी क्रम में आज गुलरिया थाने में पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में जा करके इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ और पुलिस टीम के द्वारा वहाँ जा करके जागरूक किया गया बच्चों को कि मिशन शक्ति के तहत जो लड़कियों पे महिलाओं पे अपराध हो रहा है उसका नंबर हम लोगों ने दिया 112 का और 1090 का, और उसके तहत बच्चों को जागरूक किया गया। कभी भी किसी प्रकार कोई अपराध होता है आप तत्काल पुलिस को सूचना दें और 112 पे सूचना दें। इस जो मिशन शक्ति का एक थानों में एक टीम गठित की गई है, वहाँ आकर के अपना जो भी दिक्कत हो उनको आकर के अपना बता सकते हैं। हाँ, जैसा कि मिशन शक्ति के साथ साथ सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, जो घटना दुर्घटना रोड पे चलते समय बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, घर के मुखिया प्रभावित हो रहे हैं, उसके क्रम में भी बच्चों को मेरे द्वारा वहाँ जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर किस तरह से चलना चाहिए और उसका सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और सड़क पर रेड लाइट में क्या करना है, आपको ग्रीन लाइट में क्या करना है चौराहे पे, और येलो लाइट है तो उसका पालन अच्छी प्रकार से करना चाहिए।